अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट बीनी शारजू, वेलकम टू करियर कैंप। आज हम बात करें सर ताहिर जलील अजीमी से, और ये रूहानी एकेडमी के चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और इन्होंने रूहानी तालीमात पे कोर्स जो है वो प्रॉपर प्लान किया हुआ है, और उसकी बेसिस पे अब ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। मतलब ये प्रॉपर एकेडमी है, वहाँ पे आप एडमिशन लेते हो और कुछ दौरानिया होता है जिसमें आप रूहानी तालीमात और कुरान करीम जो है उसमें जो अल्लाह ताला ने हमें मैसेज दिया हुआ है उसको समझते हैं, और उसके खैर आगे बहुत सारी डिटेल है वो हम इनसे पूछते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इंजीनियरिंग, साइंस, बायो, वट एवर इट इज़, हम कहते हैं हमें हर फील्ड जो है नई से नई निकलती जाए, लेकिन जो एक बेस है कि जो हमें जिसने पैदा किया है, हम इस दुनिया में आए हैं, हमने आगे कहीं चले जाना है। जब मुझे इसका मतलब पता चला था तो मेरा बहुत अरसे से मेरे था कि हम इसके बारे में भी इनसे बात करें, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे मैंने भी कहा है माशाल्लाह कि ये एकेडमी इस तरह के बहुत कम इदारे हैं जहाँ पे इस तरह की बात की जा रही है। अभी क्योंकि हमारा चैनल जो है वो करियर कैंप के नाम से है और हम करियर्स पर बात करें, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूँगी कि रूहानी तालीम का हमारे करियर के साथ या हमारी ज़िंदगी के साथ कितना ताल्लुक है और कैसे? जब हम लफ्ज़ रूहानी तालीम कहते हैं या रूहानियत कहते हैं तो इस फ़लसफे को समझना बहुत ज़रूरी है। रूहानियत या दीन ये एक ही बात है। दीन का मतलब ही रूहानियत है, वरना ज़िंदगी गुजारने के फ़लसफे तो बहुत हैं। आप देखें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हो या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, उनसे पहले अरस्तू थे, अफलातून थे, बुकरात थे, ये तमाम इन्होंने निज़ाम है फ़लसफ़ा दिया। उस वक्त भी बादशाह थी, उस वक्त भी ग़ुलाम थे, उस वक्त भी खेती बाड़ी होती थी। कन्फ्यूशस का टाइम आपने देखा जो कि चाइना की तरफ है, जो तमाम ये जर्द अकवाम के ऊपर, वो ये एक्चुअली फ़लसफ़ा है। तो दुनिया में दो तरह के या हमारी कुर्रा अर्ज़ पर दो फ़लसफ़े राए जाएँ, एक है इंसानों के अपने बनाए हुए निज़ाम और दूसरा है दीन। दीन जो होता है वो इल्हामी होता है, वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं होता। एक्चुअली ये बड़ी बदकिस्मती हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के तकरीबन 50 साल बाद जब जो गन मचा, जब वाकया करबला पेश आया, वाकया मीरा पेश आया और ना जाने क्या क्या हुआ, हजाज बिन यूसुफ ने जो करतूत दिखाए वो भी तारीख का हिस्सा हैं, उन्होंने दीन की हैसियत को मसख करके रखा। आका अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम को जो छोड़ कर गए थे उसके बाद से लेकर और आज तक दीन अपनी हैयत में नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दीन का बुनियादी मतलब है वही और इल्हाम, और वही खुद साख्ता नहीं हो सकती। चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, उनकी तालीमात जो तौरात की शक्ल में हैं वो सारी की सारी वही कहलाएगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हों वो भी वही कहलाएंगी, वो उनकी खुद साख्ता नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं खुद साख्ता नहीं है। कुरान हकीम आखिरी किताब है, मैं उसका आखिरी यानी बिलीवर हूँ, मेरे आगे उसके अलावा कोई किताब नहीं है, यही हतमी है। क्यों? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर बरह-ए-रास्त नाज़िल हुआ। तो जब एक निज़ाम वही का है तो वही कोई खुद साख्ता चीज नहीं है, ये समावात से नाजिल होती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ अजहान दुनिया में तख्लीक या पैदा फरमाते हैं जिन्हें हम नबी कहते हैं। वो जैसे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कुरान हकीम में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह माँ के पेट से ही पैदा हुआ हूं, खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, बीमार भी होता हूं, मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए, ये सब कुछ तुम्हारी तरह करता हूं, मगर मेरी जो स्पेशलिटी वो वही है, यानी मेरा ताल्लुक कायनात के हकीकी मालिक के साथ बराह रास्त है। तो ये एक क्या बराह रास्त ताल्लुक कैसे कायम होगा? वो रूह के बगैर नहीं हो सकता। मादी जिस्म से तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो मिट्टी है, ये तो गिलाजत है, गोश्त पोस्त का जिस्म है, कल अभी कब्र में जाएगा, गल सड़ के बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगा। तो हम जब ये रूहानियत का लफ्ज़ ऐसे जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जनरली लोग समझते हैं ये कोई अलग चीज़ है। दीन का मतलब ही रूहानियत है,
वो निज़ाम इलाही जो जिसमें अपनी रूह को उरूज दिया जाए और अपनी रूह को बालिदगी देकर ना सिर्फ इस दुनिया में अमन और सुकून से रहा जाए बल्कि मौत के बाद जो करोड़ों अरबों साल हमने गुजारने हैं वो जिंदगी भी हमारी सुकून के साथ गुजरे। तो ये एक रूहानियत का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब इसका एक जो बुनियादी पैरामीटर है ना, वो आका अलैहिस्सलाम ने कुरान हकीम में लिखा है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है आप कह दीजिए कुल, यानी अब वो अगर रसूल को कहा है तो मैं भी तो उसी किताब का फॉलोअर है, तो अल्लाह ताला मुझे भी मुखातिब कर रहे हैं। कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुल दीन का खुलासा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। मेरी नमाज, यानी अब मैं इकरार कर रहा हूं लोगों के सामने, रसूल भी कह के इकरार करेगा ना जी जी। अब उससे हट नहीं सकता, वो कहेंगे ये तो ये क्या बात है, कह अल्लाह आपको कुछ कह रहे हैं और आप उसका मुतजाद कह रहे हैं, तो रसूल हट सकता ही नहीं, मेरे जैसे शैतान हट सकता है, तो मुझे अपना मुहासबा करना है। इन सलाती, मेरी सलात यानी मेरी जो भी इबादत होगी, सलात में सब कुछ आ जाता है, इखलाकियात भी आ जाता है, अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूरी भी आता है, सलात में हज भी एक हिस्सा है, सलात में हर चीज आ जाती है। वनुसुकी, मेरी कुर्बानी जो भी मैं दूंगा, व माहया और मेरी हयात, हयात एक चीज नहीं है, हम पैदाई से लेके मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी, मेरी उधेड़ उम्री, मेरा बढ़ापा, फिर शादी ब्याह बच्चे कारोबार, ये सारा हयात का हिस्सा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे मेरी कुर्ब, मेरी हयात और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसका और कुछ है नहीं। तो दीन जो होता है ना, दीन का मतलब रूहानियत है और रूहानियत का मतलब दीन है, इसलिए कि दीन की बुनियाद इल्हाम है या वही है। तो अल्लाह ताला ने तो खुद ही कुरान हकीम में बयान फरमा दिया और यही रसूल है। रूहानियत का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान अब इसी जिंदगी में खालिक हकीकी से तौहीद का रब कायम कर रहे कि कायनात में उसके अलावा कोई शय नहीं है, हम जो कुछ हैं उसकी ही कुन के मज़ाहिर हैं और कुछ नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ एक अना होती है, मैं हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी तो जरूरत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से सांस ले सकूं, तो फिर मेरे पास रह क्या गया। अब जैसे आप ये हम बात कर रहे हैं, हम कहें कि रात से लेकर आज तक और आज शाम तक हमने कितनी बार अब सोचा कि हम खुद सांस ले रहे हैं, सोचते नहीं, तो सांस खुद ब खुद आ रहा है, तो सब कुछ ही खुद ब खुद हो रहा है। ये अलहदा बात है कि मेरा इरादे को अल्लाह ताला के इरादे से मिल जाए तो मैं कहता हूँ मैं कामयाब हो गया, अगर नहीं मिला तो मैं कहता हूँ मैं नाकाम हो गया। काम अल्लाह ताला का ही करते। तो दीन या रूहानियत की असल मंजिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुर्बत है। इसके अलबत्त फेजेज हैं। अब अल्लाह ताला ने यह बताया कि हर बंदा इस तरह नहीं हो सकता, यानी इतनी गहराई में नहीं जा सकता। तो पहला यह है कि अल्लाह ताला का इकरार तो करो, और जब मैं कोई काम कर रहा हूं तो कम अज कम ये तो करूं कि ये काम मैं नहीं कर रहा, मेरी जात कर ही नहीं सकती, इसलिए कि जब तक रूह है मेरे अंदर, मैं खाना भी खा रहा हूं, पानी भी पी रहा हूं, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, मैं गालियां भी दे रहा हूं, मैं बुरे काम भी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल। और अगर कोई बड़ा से बड़ा कोई गुंडा भी होगा ना, कातिल भी होगा और डकैत भी होगा, अगर रूह नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है रूह एक इलेक्ट्रिक करंट है जो बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर दौर कर रहा है। अब हम अपने इरादे से अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, लेकिन रूह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम हो चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी यही फरमाया, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप अल्लाह ताला का इकरार करें और जिंदगी के हर अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मौजूद जानें। यही दीन है और यही रूहानी।